जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत ने सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक हुई, क्योंकि जहाँ भी हम जिस जिले में जाते हैं, जिस जोन में जाते हैं, तो वहाँ अधिकारियों को बुला के ये हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे, जो काम चल रहा है, उसकी वास्तुस्थिति के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। तो आज रूटीन इनको बुलाया हमने, हमारे जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। कुछ हमारी बजट घोषणाएँ थी, वो जल्दी उस पर कैसे क्रियान्वित हो, उसके लिए भी हमने इनको डायरेक्शन दिए। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी आए थे, कुछ उनकी कंप्लेंट थी कि साहब कुछ हमारा समय पे इनका पेमेंट्स वगैरह नहीं हो रहा, तो मैंने भी अधिकारी को डायरेक्शन दिए। और इसके अलावा भी जो फाइनेंस विभाग है उसके अंदर भी मैं बात करूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको राहत मिले। और मैं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक तो क्वालिटी में हम किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और समयबद्ध काम हो और जल्दी काम हो, गुणवत्ता वाला हो, इस दिशा के अंदर हम काम करेंगे। और मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के अंदर अभी बजट में एक वाटर ग्रिड की घोषणा करी, और वाटर ग्रिड के माध्यम से राजस्थान के चारों दिशाओं से कैसे पानी आ सकता है, उस दिशा के अंदर हम काम करेंगे। जिला प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से आमजन से जुड़े सरकारी कार्यों का त्वरित समाधान कर राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने जोधपुर ग्रामीण एवं फलोदी क्षेत्रों से आए आमजन की समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ एवं जामभानी साहित्य अकादमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। अंदर मुख्य विषय है संसाधनों में प्रबंधन में मितव्ययता, पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण एवं जामवाणी दर्शनार्थ पर्यावरण संरक्षण शोध पत्र एब्स्ट्रैक्ट इसमें पढ़े जाएंगे। और इसके अंदर दो दिवस में लगभग 1500 शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और कुछ लोगों के पढ़े जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंदर देश और विदेश से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो लोग चिंतित हैं, वो लोग अपनी सहभागिता निभाने के लिए आए हुए हैं। जीएनएम व नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने निकाली रैली। महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थित सरकारी नर्सिंग स्कूल के जीएनएम व नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने ट्रांसपोर्ट के लिए बस की मांग को लेकर बुधवार को भी अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने बुधवार को महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्टूडेंट्स ने अपनी अपने ज्ञापन में कहा कि उनकी मांग उनकी सुरक्षा को लेकर है, इस पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जीएनएम व नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि वह अपने प्रशिक्षण के दौरान शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में सुबह शाम व रात की पारी में जाते हैं। वहां जाने की जिम्मेदारी इन स्टूडेंट की स्वयं की होती है। प्रशिक्षण लेने वालों में 80% महिला स्टूडेंट हैं। इन्हें हॉस्पिटल में आने के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में अलग अलग स्थानों में महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के बाद ये स्टूडेंट भी डरने लगे हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित करने के खिलाफ दिया धरना। सोशल मीडिया पर अपने पास के गांव की समस्या की पोस्ट डालने जिला परिषद के सहायक प्रशासनिक के निलंबित कर दिया गया। मानवता के पोषण के लिए भगवान इंद्र को अपनी हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीची की जयंती बुधवार को श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
दाधी समाज सेवा समिति संभाग के अध्यक्ष पवन आसोपा ने बताया कि दधीची जयंती महोत्सव के दौरान बुधवार सुबह पावटा स्थित महर्षि दधीची उद्यान में महर्षि दधीची की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दधीची उद्यान से मानक चौक दधीची ज्ञाति भवन तक वाहन रैली निकाली गयी। पावटा सैटेलाइट अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। सड़क टूटी हो, खराब हो और उस कारण किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? टूटी सड़कों के भयावह किस्से हर क्षेत्र में है, फिर भी सिस्टम और लोगों ने उन गड्ढों से इतना समझौता कर लिया है कि गड्ढे के बीच जितनी सड़क बची है उसी से काम चलाते रहते हैं। यह मजबूरी है या आवाज़ न उठा पाने का नतीजा? श्री वीर तेजाजी का मिला शिव गांव लुनावास भाखर पर। करीब 11 वर्ष पहले श्री वीर तेजाजी के बलिदान दिवस तेजादशमी पर भरना शुरू किया गया था। आज इस मेले में हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं, जहां जाट समाज की वेशभूषा तथा जाट महिलाओं के आभूषणों, सोने के गहने जैसे भंवरिया, तिमनिया, आट, बाजूबंद और पहनावे का, व यहाँ पुरुष भी धोती सफा सफेद पहने एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। मेला परिसर में हवन कर पर्यावरण शुद्धिकरण किया जाता है। आसूज बदी श्राद्ध पक्ष के चलते रातानाडा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के महंत श्रीधरगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर समिति की ओर से 23 से 29 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। रातानाडा पुरानी लोको रोड स्थित ACFC कॉलोनी स्थित माजीसा के दरबार में एक शाम माजीसा के नाम भक्ति संध्या व प्रसादी का आयोजन हुआ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।